मैं राजकुमार दाखड़ आपका स्वागत करता हूँ मेरे तीसरे क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियोज आप तक रेगुलर पहुँचते रहेंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चॉक थ्रॉट इन बनाना इज ड्यू टू। बनाना का चॉक थ्रॉट किस कारण होता है? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चॉक थ्रॉट होता क्या है। बनाना की जो जाइलम और बेसल्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर का जम जाते हैं, चॉक हो जाते हैं, इसी को चॉक थ्रॉट बोलते हैं। तो ये किस कारण होता है? लो टेम्परेचर कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो दोस्तों, न्यू वर्ल्ड का फ्रूट किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अवोकेडो। अवोकेडो इज कॉल्ड एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं। मैंगो का ओरिजिन इंडो बर्मा है या कभी कभी इंडिया ही दिया जाता है ऑप्शन में। अवोकेडो को बटर फ्रूट भी बोलते हैं। पैशन फ्रूट का जो फल होता है एग शेप फ्रूट बोलते हैं इनको। जैक फ्रूट को हम एक तरह से कहें तो रफ फ्रूट बोलते हैं क्योंकि इसकी स्किन रफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव या ओरिजिन ऑफ पपाया। तो पपाया का ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका। दोस्तों पता होना चाहिए हमें हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ जो कौन कौन से फ्रूट जो ओरिजिनेट हुए हैं, से मैंगो है, ब्रिंजल है और अपने जैक फ्रूट है, ब्राजील में अपना ग्राउंड नट है, पैशन फ्रूट है एंड कैशू नट है, पाइनएप्पल है, ये सब ब्राजील में है। ट्रॉपिकल अमेरिका में अपना ये आ जाता है कस्टर्ड एप्पल आ जाएगा, पपाया आ जाएगा, ये सब ट्रॉपिकल अमेरिका और मैक्सिको, उसी लगभग उसी कोई मैक्सिको बोलता है कोई ट्रॉपिकल अमेरिका बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप्स हैज हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशो। तो मींस कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बोवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू। डेट पाम को वेजिटेबली कौन सी मेथड के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों सकर, आंसर थर्ड, सॉरी बी, इसको सकर के थ्रू कमर्शियली प्रोपेगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती और फेमस वैरायटी ऑफ। तो दोस्तों ये दोनों सपोटा की फेमस वैरायटी हैं। अगर इस तरह से मैंगो की देखें तो मैंगो की नीलम, दशहरी, मल्लिका, कई सारी ये फेमस वैरायटी हैं जो आज पूछी जाती हैं। अर्कारुना वगैरह, लीची, गुलाबी फेमस वैरायटी है, बर की सेब फेमस वैरायटी है। ये क्वेश्चंस कॉमन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत कॉमन सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये वैरायटियाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्रिफिकेशन इज डन इन। कैप्रिफिकेशन किस में किया जाता है? तो कैप्रिफिकेशन फिग में किया जाता है दोस्तों, बेर में ट्रेनिंग किया जाता है, स्पेशली समर ट्रेनिंग किया जाता है इसमें। अवोकाडो को बटरफ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइपनिंग हार्मोन। तो दोस्तों सबको मालूम है इतनी इज ए राइपनिंग हार्मोन, लेकिन इसके साथ हम कुछ दोस्तों GA3 सेल एलोंगेशन को बढ़ाता है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन करता है। साइटोकिनिन कोकोनट के वाटर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सेल डिवीजन करता है। विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस फाउंड इन एप्पल। तो दोस्तों एप्पल में रिकरेंट टाइप एपोमिक्सिस होती है, नॉन रिकरेंट टाइप मोस्टली अपनी फलों में नहीं पाई जाती है,
पोलियोम्ब्रोन ही अपना मैंगो, जामुन, सिट्रस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रूट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन। तो दोस्तों कोल्ड एरिड हमारा जो गुजरात का कच्छ जो एरिया है कोल्ड डेजर्ट में आता है, इसमें एप्रिकोट मेनली ग्रो किया जाता है। तो इसका आंसर डी है, एप्रिकोट इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट। सीड्स आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सटेक्शन इन विच फ्रूट। तो दोस्तों अगर सिट्रस के सीड्स को हम सुखा देते हैं तो वो जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो डिकेस्टर सीड होते हैं। तो इसका सही आंसर है सिट्रस। दोस्तों फ्रूट दो तरह के होते हैं, एक रिकल्सिटेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। मैंगो भी रिकल्सिटेंट है, लेकिन एक इसका एक महीने तक इसको रख सकते हैं। बाकी बर भी जामुन भी डिकेस्टेंट है, लेकिन इसका सही आंसर है अपना सिट्रस है। ये इनको कुछ इसको सिट्रस को इमीडिएट एक्सटेंशन के बाद शो करना पड़ता है, लेकिन इनको कुछ समय पर रख सकते हैं। बेर तो ऑर्थोडॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और क्यों है। अगर कोई डाउट है या अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं? अगर हार्वेस्टिंग के बाद रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, साफ राइज होती है, तो वो फ्रूट्स क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। मोस्ट ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट को हम हार्वेस्टिंग के बाद पकाते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है बट डेफिनेशन नहीं है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट इसका सही आंसर है फिग है। बाकी सिट्रस ग्रेप एंड बर नॉन क्लाइमेट्रिक हैं। दोस्तों याद रखो ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है, तो इसके साथ है सिट्रस ग्रेप एंड बर। मैनमेड हाइब्रिड कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी इज मैनमेड हाइब्रिड। स्ट्रॉबेरी ऑक्टापोड होता है, इसको रनर से ग्रो किया जाता है, और स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बहुत ही विटामिन से न्यूट्रिएंट्स का रिच होता है। दोस्तों याद रखो स्ट्रॉबेरी में तीन जो इंपोर्टेंट है पॉइंट है, स्ट्रॉबेरी ऑक्टाफ्लोइड होता है, मैनमेड हाइब्रिड है, एंड ये रनर से ग्रो किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पॉइंट्स को याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल मैंगो माल फॉर्मेशन, मीन्स इसका है कि किस चीज को मैंगो के माल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है एनए। तो एनए हम कितना यूज करते हैं दोस्तों? तो एनए जो करते हैं 200 ppm। कितना यूज करते हैं दोस्तों? 200 ppm। इसी तरह 2,4-D को हम हर्बिसाइड के यूज में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपेन इज यूज्ड इन। तो पेपेन किस चीज के लिए यूज होता है? दोस्तों आप आज सुन लीजिए, पेपेन बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इसके अलावा भी कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है, कन्फेक्शनरी वगैरह है। तो स्पेशली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंड मीट को टेंडरिंग के लिए यूज करते हैं इसको। तो इसका सही आंसर है सी बोथ। इसको च्युइंगम बनाने वगैरह में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए सिट्रस कैंकर इज अ डिसीज। तो सिट्रस कैंकर दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज है। आप बाइल डिसीज सिट्रस ट्रस्टीजा जो डिसीज है, ट्रस्टीजा वो बाइल डिसीज है। सिट्रस गमोसिस फंगल डिसीज है, और जो सिट्रस ड्वार्फिज्म जो होता है वो माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। माइकोप्लाज्म लाइक और भी डिसीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी इज ऑक्टाफ्लोइड। दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रॉबेरी ऑक्टाफ्लोइड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। द कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोमा ऑफ एप्पल। इतना
टू मेथाइल ये होता है यूजिनल राइबोमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो दोस्तों नॉन क्लाइमेट्रिक कौन सा है, मैंगो क्लाइमेट्रिक है, एप्पल क्लाइमेट्रिक है, बनाना लाइक क्लाइमेट्रिक है, तो हमारे पास लीची बचा है, लीची इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। फूड रिसोर्स ऑफ विटामिन ए, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है, पपाया इज आल्सो रिसोर्स विटामिन ए, बनाना है मैंगो इज आल्सो, बनाना भी कुछ होता है, लेकिन इन सब में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जब पपाया और बनाना दोनों ऑप्शन होते हैं तो हम मैंगो को प्रेफरेंस देते हैं। दोस्तों मैं बनाना यूज कर दिया हूँ, सॉरी फॉर दैट। पोलिनेशन प्रेजेंट इन वॉलनट इज बाय, मीन्स वॉलनट्स में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो वॉलनट में विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। दोस्तों इंसेक्ट पोलिनेशन किसमें होता है, तो याद रखिए इंसेक्ट पोलिनेशन बनाना में अपना रहा होता है, सॉरी बर्ड के थ्रू बनाना में होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है हमारा ऑयल पाम में, ऑयल पाम में बीविल से होता है, जो बीविल होता है उसके कारण उसमें पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपगेशन इज कॉमन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ, तो दोस्तों बनाना में भी माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, ऑर्किड में भी करते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। बेंडिंग इज प्रैक्टिस इन गुआवा टू एंकरेज, तो इसका मीनिंग है कि हम गुआवा में बेंडिंग क्यों करते हैं, बेटर स्प्राउटिंग, बेटर राइपनिंग, बेटर फ्रूटिंग, बेटर क्वालिटी, तो दोस्तों मेनली बेटर फ्रूटिंग के लिए हम बेंडिंग करते हैं, बेंडिंग में गवा की ब्रांचों को मोड़ दिया जाता है। मेजर कॉजेज ऑफ मैंगो फ्रूट ड्रॉप, मैंगो फ्रूट ड्रॉप सबसे जो मेन कारण है लेक ऑफ पोलिनेशन होता है, जो उसका स्टिगमा होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता है सही से, डिफेक्टिव परफेक्ट फ्लावर, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। बेयरिंग हैबिट ऑफ मैंगो, तो मैंगो की बेयरिंग हैबिट टर्मिनल होती है, टर्मिनल इसको बोलते हैं दोस्तों कि ये हमेशा, जैसे ये अगर है तो यहाँ ब्रांच है तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर से निकलेगी, तो इसको टर्मिनल बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा हो कि उसके तने से भी निकल जाता है, तो इससे भी टर्मिनल आता है। ऑक्सिलरी वगैरह में ये अपना गाढ़ा वगैरह आते हैं, मिक्स्ड में अपना सिट्रस वगैरह आता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको वॉच करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रिसोर्स ऑफ आयरन कौन सा फ्रूट है, तो दोस्तों उसका नाम है करौंदा। करौंदा आयरन का बहुत ही रिसोर्स होता है, इसको हमेशा याद रखिए, इसमें 39% आयरन पाया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड क्रॉप कंटेन हाईएस्ट विटामिन सी, दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कौन सा है, और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आया है दोस्तों इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारे भी शुरुआत है, इसके बाद हम आपको थोड़ी सी लॉन्ग और एडवांस इंफॉर्मेशन वीडियो डालेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।